समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद नरेंद्र कश्यप की बहू की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद सांसद समेत परिवार के 6 सदस्यों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। घटना के बाद गाजियाबाद पुलिस ने नरेंद्र कश्यप समेत 3 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। बीएसपी के राज्यसभा सांसद नरेंद्र कश्यप की बहू हिमांशी की संदिग्ध मौत के सिलसिले में पुलिस ने सांसद के परिवार पर शिकंजा कस दिया है। पुलिस ने लड़की के घर वालों की शिकायत पर सांसद समेत परिवार के 6 लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कर लिया। इसके बाद सांसद नरेंद्र कश्यप, उनकी पत्नी और हिमांशी के पति सागर कश्यप को दहेज निरोधक कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें जो मृतका है उनके पति, उनके ससुर जो कि सांसद हैं, तथा उनकी जो मदर इन लॉ हैं, उन तीनों को प्रथम दृष्टया दहेज उत्पीड़न और दहेज हत्या के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और अभी चूंकि वो हॉस्पिटल में है, लेकिन डिटेंशन पुलिस ने इंश्योर कर ली कि सुबह से ही उनको डिस्चार्ज करा के प्रॉपर जिला चिकित्सालय में मेडिकल चेकअप करा के उन्हें जेल भेजा जाएगा। इन तीनों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। फिलहाल उन्हें 14 दिन की रिमांड के लिए भेज दिया गया है। जो भी न्यायिक कार्रवाई में हमें मौके मिलेंगे वो हम पूरा उठाएंगे उनका। गौरतलब है कि बुधवार को सांसद की बहू का शव घर के बाथरूम में मिला था, जिसके सिर में गोली लगी थी। ये गोली सांसद के बेटे के रिवॉल्वर से मारी गई। सांसद के परिवार का कहना है कि बहू ने आत्महत्या की, लेकिन लड़की के परिवार वालों का आरोप है कि ये दहेज हत्या है। हिमांशी के पिता के मुताबिक उनसे काफी दिनों से दहेज की मांग की जा रही थी। न्यूज़ नाइट डेस्क, DD न्यूज़।